नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक शिपिंग कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी जिसको बेसिकली एजेंट कहते हैं, वो मार्केट में लिस्टेड है और उसी के ऊपर थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि इसका स्टॉक में ये देखने को आती है कि स्टॉक का पी छोटा सा है अर्थात 15 से कम है, निकल के जो एक 15 के आसमान में रखता हूँ क्योंकि ये स्टॉक में इंडस्ट्रियल की पी की कैपेसिटी हिसाब से देखा जाए तो नियरली अभी दोगुना का जंप होना बचा हुआ है यदि इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप करती है। चलिए जानते हैं, कंपनी है अरविंद एंड कंपनी जो कि शिपिंग एजेंसीज लिमिटेड है। कंपनी करती क्या है इसके बारे में देखा जाए तो कहती है सर्विस प्रोवाइड टू पोर्ट कंस्ट्रक्शंस कंपनीज। उस कंपनी को क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ में देखा जाए सर्विस के अंदर शिपिंग डिविजन्स है, होटल डिविजन्स है। इनके पास दो तरह के डिवीजन पे कामकाज करती है कंपनी, एक तो शिपिंग पे कामकाज करती है जिसमें कहती है कि ऑल शिपिंग रिलेटेड टू द सर्विस शेयर, और दूसरी तरफ कंपनी कहती है जो फ्लैट टॉप वर्ड्स की बात कर रही है, फ्लैट टॉप टॉम्ब पेंटकॉन्स, ये इनके कुछ सर्विसेज हैं। इसके अलावा कहती है कि होटल्स इंडस्ट्रीज के होटल डिवीजन में कंपनी काम करती है, दो सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है, एक तो होटल के अंदर एक शिपिंग के अंदर। फिर होटल डिवीजन में कंपनी करती है कि होटल मिलेनियम्स प्लाजा ओवर व्यू, उनके मिलेनियम्स प्लाजा है जो कि कहती है कि द्वारका हाईवे 947 पे, वी आर द अराउंड 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज मोती खांडवी गुजरात, और ये जामनगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे इनकी क्या है होटल्स है, होटल मिलेनियम प्लाजा। उसके बाद कहती है कि ऑक्यूपेशंस की बात कर रही है, होटल गैलरी की बात कर रही है कंपनी अपनी, मतलब दो तरह की चीज़ें उन्होंने कहा कि हमारे पास शिपिंग पे कामकाज करते हैं और इस पे कामकाज करते हैं। अगले पड़ाव के बारे में क्या कहती है कंपनी के बारे में हम जानते हैं। चलिए जानने में देखने को ये आती है जो स्टॉक में पहले कहा कि नियरली इसके जो करंट प्राइस है वो काफ़ी अभी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया है, किससे बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू करीब 22 के आसपास आया था है तो वहाँ पे 57 के आसपास, क्योंकि तादाद जो है ना जो भीड़ है वो केवल ये देखा गया कि यदि अर्निंग पर शेयर करीब 4.5 रुपये के आसपास करती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करीब 13 गुना की भीड़ में खड़ी हुई है स्टॉक। यदि ईसर से आकलन करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, आकलन करें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करके कहते हैं यहाँ पे जो अर्निंग है अर्निंग के 13 गुना से ज़्यादा क्या है मार्केट में डिमांडेबल है। जहाँ पे इनकी जो इंडस्ट्रियल के पी की बात करती है वो करीब 25.40 का है, अर्थात इसको यदि देखा है तो 2x तो लगातार जंप कर सकती है, जहाँ से 57 दूनी कितना होता है 114 के आसपास जा सकता है। तो यहाँ पे देखा गया कि 100 से लेकर के 114, 115, 120 तक के आसपास की इनकी फ्यूचर जो रेजिस्टेंस है वो कायम बना सकती है, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक काफ़ी नीचे चल रहा है क्योंकि ये इसका यदि 52 वीक की हाई और दोनों का मर्ज करके देखेंगे लो को तो आपकी बॉर्डर लाइन के बारे में पता चलेगा आखिर क्या कहती है। यहाँ पे देखा गया तो सीधे सीधे कहती है नियरली 140 डिवाइडेड बाय 2 अर्थात 70, अर्थात ये देखा गया कि अभी 70 से नीचे की प्राइस में है, अर्थात इनकी मार्केट थोड़ा सा ढुलकती नज़र आती है, सीधे सीधे बात करूँ तो ढुलकती नज़र आती है। अब आते हैं कुछ और पड़ाव को लेकर के, क्या जो अर्निंग पर शेयर का पार्ट था वो डेट टू इक्विटी के बारे में क्या कहती है, तो डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.42 का रेशियोज है इसको लेकर के, और आरओसी के बारे में कहती है 27% का, आरओई के बारे में कहती है 57% का। जहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपये का, इसके बेसिस पे अर्निंग की पार्ट को देखें तो 4 गुना के आसपास अर्निंग करती है। यहाँ पे डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और प्रमोटर्स होल्डिंग 73% के आसपास, कोई प्लेस की होल्डिंग प्लेस नहीं देखने को मिली है। अब आते हैं एक चीज़ और कहते हैं जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये क्या होता है इसको बारे में देखें तो ये कहती है जो बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू से जिनके एसेट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कहती है इनक्रेडिबल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू में क्या है इनकी एसेट्स पड़ी हुई है, लेकिन उस एसेट्स का वैल्यूशंस निकल के आती है लेकिन बुक वैल्यू उसके कई गुना से कम है। यदि मार्केट मैंने अभी आंकलन किया था कितने 100 से लेकर के 120 तक के आसपास का, यदि आंकलन करा जाए तो इससे इंटरेस्टिंग वैल्यू फिलहाल इससे भी ज़्यादा है, 147 के आसपास है, लेकिन मार्केट में क्या है इसका पैनिक बनता नजर आता है। इसके बारे में कंपनी कहती है, कंपनी करती क्या है, 87 में कंपनी बनी थी अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसीज
इज द बिजनेस ऑफ द कैरिंग एंड द फॉरवर्डिंग, कार्गो एजेंट के तौर पे कामकाज करती है इस शिपिंग लाइन के अंदर। जहां पे स्टॉक में नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 1,21,00,000 के आसपास की है, और करंट रेशियो के बारे में कहते हैं तो करीब 1 के आसपास से निकल के आती है, जो कि शायद इनको अच्छा संकेत दे सकता है। चलिए हम जानते हैं इसको लेकर के अगले पड़ाव में क्या कहती है। तो पीयर्स में देखा गया कि पीयर्स में इसके बारे में क्या कहती है, तो पीयर्स में जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जी शिपिंग्स पे हमने स्टडी किया था, शिपिंग कॉर्पोरेशन हैं, एसएस शिपिंग्स हैं, श्रेयस एबीएस हैं, इन सबको कंपेयर करने के बाद ये लगता है कि पी के आकलन के हिसाब से देखें तो पी सबसे बेटर यदि किसी स्टॉक का निकल के आता है, जो कि भीड़ की बात कर रही है तो भीड़ सबसे कम भीड़ अभी इसमें निकल के आती है अर्निंग के बेसिस पे। अब अर्निंग के बेसिस पे जो भीड़ की तरह से दूसरे नंबर पे इसका निकल के आया, जो कि करीब 13 गुना मार्केट में इनकी बढ़ चुकी है। अब आते हैं अगले पड़ाव जहाँ पे डेटर्स के बारे में कहते हैं, तो इसके बारे में कहते हैं कि नियरली जो कि है 41 के आसपास एवरेज है, जिसमें से थोड़ा सा एवरेज से ये बढ़ा हुआ प्राइस निकल के आती है। क्वार्टरली डेटा के बारे में कंपनी कहती है, और रिसेंटली कंपनी के बारे में एक नज़र डालें, कंपनी बहुत पुरानी लिस्टेड नहीं है, कंपनी 2023 में लिस्टेड हुई थी 25 अक्टूबर को, और एज एसएमई में रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका, निफ्टी एज एसएमई इमर्ज के अंदर मार्केट में इसको लिस्टिंग मिली थी इस स्टॉक को, इस कंपनी को। अगले पड़ाव में कहती है कंपनी को लेकर कि क्वार्टरली डेटा में, तो क्वार्टरली डेटा में इससे बेसिकली हाफ ईयरली डेटा होता है, क्योंकि छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में हाफ ईयरली डेटा में निकल के ये आती है, जो यहाँ पे बिल्डअप करती है, करीब करीब काफ़ी गुना से बिल्डअप करती नज़र आती है। साथ में इसके बाद प्रॉफिट की तरफ देखें तो प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है नियरली क्या, नियरली प्रॉफिट भी लगातार क्या कहती है, यहाँ से बिल्डअप तो रखें इसके अकॉर्डिंग यहाँ से टूट गई, अर्थात इसको किसके आंकलन से आंकलन करके देखें, यदि वाई से आंकलन करके देखेंगे तो फिर क्या लगता है कि यहाँ से सेल्स तो बढ़ी है लेकिन ये जो है वो क्या कहती है गिर गई प्रॉफिट की पार्ट को लेकर। ऐसे ही पूरे के पूरे साल भर साल दर साल को आकलन करें तो ये निकल के आती है कि लगातार साल दर साल में कंपनी पिछले 3-4 सालों से ग्रो लेवल पे बनी है, जहाँ पे कुछ 36 लाख से जमते हुए करीब 14 करोड़ के सेल्स तक इन्होंने जंप किया है। इतना ही नहीं, यदि इसको प्रॉफिट के बेसिस पे आकलन करके देखें तो ये निकल के आती है जो कंपनी में पिछले 3-4 सालों में जो ग्रो लेवल था उसमें सबसे ज़्यादा ग्रो लेवल इस साल में अर्थात 24 में टॉप ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है, नियरली 5 करोड़ से ऊपर का। कुछ हिस्टोरिकल डेटा के बारे में कहती है, और वो क्या कहती है, क्या कहती है, जो कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो 3 साल में 240% तक जंप किया, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 180% के जंप किया, और स्टॉक प्राइस सीजीआर में कुछ नहीं है, और यहाँ पे करीब करीब इतना 40% से ज़्यादा 45% से ज़्यादा की अपर साइड मोमेंटल देखने को बनी है। अगले पड़ाव में देखेंगे, अभी तक उम्मीद करते हैं अभी तक आपने वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी इसी से हमारी फीडबैक्स आपकी फीडबैक का भी इंतजार रहता है। चलिए जानते हैं इसको लेकर के अगले पड़ाव में इसके बारे में क्या कहती है, जानने के प्रयास करते हैं। अगले पड़ाव के बारे में कहती है, यहाँ पे हम एक नज़र डालेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे बाद में, पहले डालते हैं इसकी किसको लेकर के, करंट रेशियो और कुछ एस्पेक्ट को लेकर के, क्या जो डेट्स था वो क्या इंक्रीज करती है, या फिर कंपनी ने कुछ ऐसा प्लान तो नहीं किया जो कि जिसकी वजह से जो ईपीएस है वो क्या कहता है इम्पैक्टेड हो रहा है। ईपीएस के इम्पैक्टेड के कारण को जाने तो वहाँ के चलते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रॉफिट जो पीएल है, ये मैं हमेशा कहता हूँ एक बात, जो कि ईपीएस है ये एक दिखावे के तरीके हैं प्रॉफिट को लेकर के, लेकिन इसके पीछे जो कहानियाँ हैं ना वो बैलेंस शीट में छुपी होती है, जिसके बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको डेटा निकलेगी। आखिर उधार क्या था, उधार में रिस्क क्या कवर करती है, यहाँ पे देखा गया कि कंपनी बैलेंस शीट में देखें तो बोरोंस को लेकर कंपनी ने कहा कि हमने बोरोंस को क्या किया है, सेटअप किया है, अर्थात बोरोंस उन्होंने पे आउट किया, तो बोरोंस में क्या हुआ, इनकी गिरावट हो गई। जब बोरोंस में इन्होंने गिरावट किया तो फिर कहाँ से गिरावट किया, तो कहती नहीं हमारे पास हमने कहाँ से इसको सेटअप किया, कहती मैं सेटअप करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे फंड थे, और खास के यहाँ पे इस साल में इनके पास काफ़ी सारे कैपिटल्स इंक्लूड होके आए, ये पहले नहीं था, क्योंकि मार्केट में 2023 में ये 23 में ही तो आई थी लिस्टिंग लेकर के, तो उसका जब लिस्टिंग लेकर आई तो फिर वो डेटा क्या हुआ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती नजर आई, जिसकी वजह से रिजर्व इनका बढ़ गया। अब यहाँ पे एसेट्स की तरफ ध्यान दें तो एसेट्स के बारे में कहते हैं, फिक्स एसेट्स के बारे में लगातार बिल्डअप हो रही है, फिक्स एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स में कोई कमी देखने को नज़र नहीं आई।
अब जो दूसरी बात करते हैं उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल को पार्ट को लेकर के, उसमें क्या कहना चाहती है कंपनी। तो यहाँ पे फिलहाल ये डेटा ओपन नहीं हो रही है कुछ कारण, बस एक सेकेंड मैं उसको वेट करता हूँ, फिर इसमें देने का प्रयास करता हूँ आखिर क्या है इसको लेकर के। तो शायद ऑब्वियसली इसमें समझने की हम ट्राई करेंगे जो बेसिकली डेटर जो है वो क्या कहती है। इसके पहले डेटर की डेट के बारे में चर्चा करें, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो कहती है इनका डेटर्स का कोई रेस जो डेट का पीरियड है वो कुछ डेट आकलन नहीं करता है। अब ये जब आकलन नहीं करता है जिसके बारे में और कुछ कहती है, तो हम चलते हैं जरा नेट इंटरनेट को जरा ऑन करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, तो अब कनेक्टेड हो गया। अब हम आते हैं इसको लेकर के कहाँ पे बैलेंस शीट में, जिस डेटर को पार्ट को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे उसमें जरा सा इसको करते हैं तो ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, उनको हाईलाइटेड को शायद कुछ इशू आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक देखा जा सकता है करंट रेशियो में जो इफेक्टेड है वो क्या इफेक्टेड देखने को मिला। हम एक बार करते हैं इसको रिफ्रेश, फिर आते हैं इसको लेकर के जिनको लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कहती है कंपनी कितने का पता है, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कहती है करीब 4 करोड़ से ज़्यादा, जबकि कैश इनके पास कुछ भी नहीं देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक सवाल कई बार हमने हमेशा सवाल किया है, जो बैलेंस शीट में जो पीएल में आपने देखा ईपीएस में, खास के ईपीएस क्या हो गया, समरी हो गया किसका, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद ईपीएस आया, ईपीएस के बेसिस पे हमने डिसाइड किया जैसे कंपनी में इतनी परसेंट की क्या हो है जंप चल रही है। अब यहाँ पे ये आकलन करके देखिए करीब 4.5 करोड़ के आसपास के इनके डेटर पड़ा हुआ है, इसके बेसिस पे यदि प्रॉफिट को आकलन करके देखें तो टोटल कितना कहता है 4 करोड़ के आसपास। अब 14 करोड़ में कितना, 4 करोड़ के, 4.25 करोड़ के आसपास क्या है डेटर्स पड़ा हुआ है। प्रॉफिट के बारे में कहती है करीब 5 करोड़ के आसपास, तो मतलब यहाँ से क्या है संतुष्टि बनती है, सेटिस्फैक्शन बनती है जो हाँ ठीक है, क्योंकि तो यदि ये प्रॉफिट जो है ना हमारा क्या है डेटर्स जितना हमने बुक किया उससे ज़्यादा ही मेरा प्रॉफिट है, यदि कुछ उल्टा सीधा होता भी है 10-5% का तो हमारी उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता, यदि यही चीज़ थोड़ा कम हो जाता तो फिर फर्क पड़ सकता था, लेकिन सेल्स प्रोसेस पर थोड़ा सा देखने को बनी है। जहाँ पे आप क्वार्टरली देखें डेटा को देखें तो मार्च में जितना उन्होंने किया था उसका नियरली 4 करोड़ के आसपास तो फंस गया पैसा, क्योंकि पैसा के लिए उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन नहीं बताया कि पैसा कितने दिन में मिलता है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, कंपनी छोटी सी कंपनी थी, छोटी सी कंपनी में क्या कुछ ऐसा बनता नजर आता है जहाँ पे कहते हैं कि 73% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर्स और रेस्ट जो होल्डिंग है वो कहती है पब्लिक। जो होल्डिंग है बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टॉक में करीब 32 लाख शेयर है पब्लिक के पास, और 32 लाख शेयर को देखा गया कितने परसेंट कितने रेट के हिसाब से कंपेयर करें तो नियरली रेट जो निकल के आती थी इनकी करीब 52-57% रुपये के आसपास। तो देखिए 57 स्टॉक को कभी भी मार्केट में बूस्ट किया जा सकता है, कभी भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं और प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट कैप भी टोटल कितना है 70 करोड़ के आसपास आती है। अब 70 करोड़ का कोई पैसा लगाए ना तो फिर क्या होगा, इनकी क्या कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन क्या ऐसा होगा देखने वाली बात है। क्या जो ये इनकी पोटेंशियल थी वो उसमें क्या निकल के आई थी, एक ही कमी निकल के आई थी जो कि हमने कमी के बात किया, जो कि अक्सर कंपनी में निकल के आती खास के उधार को लेकर के, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ में सेटिस्फेक्शन नज़र आता है किसको लेकर के, बैलेंस शीट की फिगर्स को लेकर के। यदि हम इसको कंपेयर करें 4.25 करोड़ को उधार बिक्री से कंपेयर करें तो यह 5 करोड़ से ज़्यादा इनकी प्रॉफिट ऑलरेडी उन्होंने बुक करके रखी है। आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, जहां हम उसकी तादाद की बात कर रहे थे इसमें किसकी क्या तादाद है ये देखने को आ सकती है कि यहाँ पे देखने को मिली जो फिलहाल ये लास्ट मार्च तक का अपडेटेड था, जून का अपडेटेड नहीं देखने को मिला है। लेकिन क्यों नहीं, इससे पहले चार्ट में जाके देखते हैं इसके चार्ट इसके बारे में क्या कहती है। इसके चार्ट इसके बारे में कहती है कि यहाँ से स्टॉक ने एक बूस्ट किया था लंबी सी, लेकिन उस वो बूस्ट जो किया था एक शॉर्ट पीरियड के लिए बूस्ट किया था, अर्थात पैनिक करने के लिए बूस्ट किया था, ये जम नहीं पाया यहाँ पे, लेकिन जमने ना जमने के कारण ये चीज़ क्या हुआ धराम से गिर गया। जहाँ पे जो शेयर होल्डर की तादाद है ना वो क्या कहती है कम नियरली करीब 500 से 600, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी फिलहाल जून तक का डेटा आता है तो मार्केट जिस हिसाब से जंप किया है वही 600 से लेकर 650-700 के आसपास का क्या होगा शेयर होल्डर की तादाद यहाँ पे हो सकती है। जहाँ पे प्रमोटर के अलावा केवल पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिला है और पब्लिक में कुछ नाम जिनके पास 3% 2-2% आसपास की पोजिशन बनती नज़र आती है। जहाँ पे कंप्लीट डिटेल में जो कि 2 लाख से कम के इन्वेस्टर हैं किसी स्टॉक को लेकर के,
उनकी तादाद कहती है करीब करीब 15% के आसपास की उनकी तादाद कहती है किसका, एक आम रिटेलर का जो कि 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करके किसी भी स्टॉक में चलते हैं। यहाँ पे स्टॉक की इस परफॉर्मेंस था, हम इसको कंपेयर करते हैं पीयर्स को लेकर के, इसके बारे में पीयर्स क्या कहती है, तो पीयर्स पे हम नज़र डाल रहे हैं और पीयर्स के बारे में कुछ ओपन हो जाए तो शायद बेटर हो सकता है। उसका क्या क्या कंपेयर हम कर सकते हैं, चाहे उसकी फाइनेंशियल को लेकर के या फिर उसको हम, यहाँ पे कोई पीयर्स में आता ही नहीं है कंपनी को लेकर के, जिसका नाम था अरविंद एंड केमिकल, अरविंद एंड कंपनी जो कि शिपिंग पे कामकाज करती है कंपनी, जो कि वेबसाइट्स पे आप देख पा रहे होंगे। कंपनी बेसिकली क्या करती थी, कहती है शिपिंग एजेंसी और कार्गो क्लियरेंसिंग का कामकाज करती है और दो तरह की सपोर्टिंग देती है, चाहे होटल इंडस्ट्रीज को लेकर के हो या फिर इनकी शिपिंग को लेकर के हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। जहाँ पे एक चीज़ देखिए, जहाँ पे कंपनी में कुछ परफॉर्मेंस की बात करें,